हेलो गाइस, जय हिंद। हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो हम लोग पढ़ रहे थे गाइस हिंदी, क्लास ट्वेल्थ का हिंदी। तो क्लास ट्वेल्थ के हिंदी में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? क्लास ट्वेल्थ के हिंदी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का, गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर का जीवन परिचय पढ़ चुके थे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ चुके थे। तो यदि वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से वीडियो को आप लोग जा करके वॉच कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, वहाँ से भी वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ये वीडियो जो बना रहे हैं इसको भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे। ओके, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देखेंगे तो सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, जो उसमें दिया रहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो वही है ये। और तीन क्वेश्चन दिया रहता है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया रहता है उसी का हम लोग आंसर इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए हैं हम वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ये गद्य खंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चाहे आप किसी साइड से हो, हिंदी के किसी साइड से हो, जैसे सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी होता है, तो कोई हिंदी लिए रहे आप, इसको ये चैप्टर दोनों हिंदी में आएगा। देखिए यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका देखिए, दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो आपका जो क वाला जो ग्राफ बनाया है इसमें दिया है भूमि पर बसने, उसमें और भी आगे लिखा होगा जब आप लोग बुक लेकर के पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा पैराग्राफ दिया है एक। तो यहाँ पर क्या करना होगा आप लोगों को, यहाँ पर इतना इस तरह से लिख लेना होगा, आगे का तीन चार वर्ड लिख लेना है और लास्ट का तीन चार वर्ड लिख लेना है डॉट डॉट करके इस तरह से लाइन में। फिर उसका जो क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से क्या करना है, पहले का आंसर हम सिर्फ लिखे हैं, सिर्फ क्या लिखे हैं, आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। तो क्वेश्चन को हम आप लोगों को पढ़ करके बताएंगे। तो चलिए हम बुक ले लेते हैं हिंदी का। सो गाइस ये रहा बुक, तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पहले का जो ये आंसर लिखे हैं उसी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें लिख रहा है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, उपयुक्त गद्यांश एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख दिए हैं उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम। यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। नाम राष्ट्र का स्वरूप है और तथा इसके लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, जैसे भी सेंटेंस सही बैठे उस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, आप लोग बुक जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो सेकंड वाले का यहाँ पर आंसर लिखे हैं, उत्तर यहाँ पर लिखे हैं, अपने राष्ट्रभूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। क्या है यहाँ पर देखिए, अपने राष्ट्रभूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ये कैसे आप लोगों को मिलेगा गाइस, ये कहाँ से हम लिखे हैं? तो वो जो पैराग्राफ दिया रहेगा उसी में से, जब क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढेंगे पढ़ेंगे तो उसी में से ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग खोजने की कोशिश कीजिएगा, हम आप लोगों को ये भी कभी वीडियो बना करके बताएंगे कैसे खोजा जाता है। ओके, कैसे इसका आंसर खोजा जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड बता दिए आप लोगों को, अब थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ बताते हैं। सो फ्रेंड चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि प्रश्न भी लिख दिए हैं, कॉपी बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, पार्थिव और निर्मूल शब्दों का अर्थ लिखिए। तो पार्थिव शब्द का अर्थ होता है, लाइट नहीं है, थोड़ा फेस पे लाइट कम पड़ रहा होगा। तो पार्थिव शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी से संबंधित। पार्थिव शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी से संबंधित। ओके, और निर्मूल शब्द का अर्थ जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ न जुड़ी हो, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ न जुड़ी हो वह निर्मूल कहलाता है। ओके, तो निर्मूल का अर्थ ये होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, ये थर्ड था, ये क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है, भूमि का निर्माण
भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है? तो ये सभी क्वेश्चन आपके जो पैराग्राफ दिया है उसी में से मिल जाएगा। तो देखिए, भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन लिख देंगे सिंपल। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप रेखांकित अंश पढ़ लीजिएगा, उसमें जो पैराग्राफ होगा उसमें नीचे अंडरलाइन किया होगा तो उसी का व्याख्या सिर्फ लिखना है आपको, उसी लाइन का। तो इस तरह से लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, थोड़ा सा बना करके अपने तरफ से। तो लिखेंगे, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, इसके लेखक कौन है चैप्टर के? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो लिखेंगे, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक मजबूत होगा। देखिए ये कैसे व्याख्या लिखा जाता है गाइज, व्याख्या को सिर्फ जैसे दिया रहता है उसी तरह से उतारा जाता है, लेकिन उसमें कैसे चेंज किया जाता है हम आपको बताते हैं। आपको पर्यायवाची आना चाहिए, पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे साइनोनिम्स, तो ये पता होना चाहिए वर्ड का। तो जो वर्ड रहता है, जिस वर्ड का पर्यायवाची आपको पता रहे उसी वर्ड को, उसका जो साइनोनिम्स होता है उसको चेंज कर दीजिए, उसका अलग साइनोनिम्स लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड अलग अलग दिया होगा, उसी वर्ड को हम चेंज कर दिए अपने तरफ से। ओके, तो उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से आप लोग क्या करके उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल जहाँ पर दिया रहेगा, जहाँ पर जल लिखा रहेगा वहाँ पे आप लोग नीर तो लिख सकते हैं, नीर पानी भी लिख सकते हैं। तो धरती यदि लिखा है, भूमि लिखा है, तो इसका साइनोनिम्स पर्यायवाची क्या होता है? वसुंधरा होता है, धरती होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसी तरह से चेंज करके। तो इस तरह से जब उसमें से वर्ड को चेंज करेंगे तो एग्जामिनर जो होगा वो समझ जाएगा कि बच्चा अपना माइंड लगा करके इसको किया है। तो वहाँ पर उतना भी तो ये लोग पढ़ते ही नहीं है, इन लोगों को क्या होता है, जो वहाँ पर संदर्भ दिया रहता है, लेखक का शीर्षक का नाम और लेखक का नाम, ये वही पढ़ करके ये नंबर दे देते हैं, आपका पूरा व्याख्या पढ़ने नहीं जाते हैं लोग। ओके, तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, लेखक वासुदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक मजबूत होगा, जितना अधिक गहरा होगा, अतः पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदि से लेकर अंत तक ज्ञान प्राप्त करना, करना तथा इसकी सुंदरता। चलिए इसके नेक्स्ट पेज पर विजिट करते हैं, नेक्स्ट पेज है। तो यहाँ पर लिख रहा है सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना, हमारा आवश्यक धर्म है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं रेखांकित अंश का व्याख्या। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, और ये आप लोग चैप्टर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जो बताने लायक रहेगा हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। ओके, जो हमको पता रहेगा। तो इसी तरह का वीडियो लेकर के इसका ये जो क वाला था व्याख्या ये हम करवाएं, अब ख वाला करवाएंगे। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय। जय हिंद।